वेलकम, यह मेरा किचन और आज आप मेरे साथ हैं इस किचन में जो कि आप देख रहे हैं ग्रेस नेटवर्क पे। मेरा नाम है राहिल जॉन और आज मैं इस प्रोग्राम को लेके आया हूँ। आप पहले भी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे किसी और चैनल पे, लेकिन अब क्योंकि ये ग्रेस नेटवर्क पे होगा सो हम मिलकर यहाँ पर मज़े मज़े के खाने बनाएंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है तवा कीमा। आए मिलकर बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली एक तवा चाहिए मुझे जो कि मैं यहाँ पर रख देता हूँ। आधा किलो कीमा ले रहे हैं, एक अदद मैं लूँगा प्याज और कहाँ गई मेरी नाइफ, वो ये रही। दिस इज अनियन, ये अनियन है। मैं इसके लिए एक एक्स्ट्रा प्लेट ले लेता हूँ। जिसमें मैं सारा एक्सेस निकालूंगा और साथ ही साथ जब भी आप काम करें तो ज़रूरी है कि आपके पास एक प्लेट हो जिसमें आप जो कुछ भी काट रहे हैं वो आपके पास हो। तो इसके साथ में प्याज भी हैं, गार्लिक भी है, अनियन भी है, वो सब हम इसमें यूज़ करेंगे। इसको हम थोड़ा सा रख देते हैं इस तरह क्योंकि हाथ में काम करने में प्रॉब्लम आ रही है। एक बड़ा प्याज, प्याज जो है वो एक बड़ा ले लें तो आपके लिए बहुत होगा। आधा किलो कीमा, काम करने के लिए कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर आपका स्टेशन है उसको आप देख लें। ये हो गया मेरा एक बड़ा प्याज। प्याज काटते हुए आंखों में तो लगता है लेकिन ये काम का हिस्सा है। हम ले लेंगे दो तीन टमाटर ले लेंगे, तीन टमाटर बहुत होंगे। इसको मैं कर देता हूँ डिस्कार्ड। अनियन हम डाल देते हैं इधर साइड पर। सबसे पहले ट्रैप आप कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, आपको खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तीन अदद हम ले रहे हैं टमाटर। मेरे पास नीचे डस्टबिन है, सारा एक्सेस मैं उसमें डाल रहा हूँ। तो रफली चॉप कर लें, इसकी कोई कटिंग ज़रूरी नहीं कि आपको कोई जूलियन चाहिए या क्यूब्स चाहिए, क्योंकि ये टमाटर है इसको आप जैसे भी काट सकते हैं। इस तरह से आप इसको रफली चॉप कर लें, ठीक है। टमाटर डालने से ग्रेवी रहेगी, थोड़ा सा जूसी रहेगा आपका। आप कीमा जो यूज़ कर रहे हैं, मैंने बताया मैंने आधा किलो कीमा लिया और उसमें एक बड़ा प्याज और तकरीबन तीन टमाटर, चार भी ले सकते हैं, डिपेंड्स कि कीमा रूखा तो नहीं है और अगर रूखा है तो उसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम दे देते हैं साइड। लहसुन जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी खाने में, और अदरक, अदरक का वैसे मैं यूज़ जो है वो बाद में करूँगा, अभी मैं नहीं करूँगा, ठीक है। इसको हम करते हैं साइड। क्योंकि टमाटर के अंदर पानी होता है, जूस होता है, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं ड्राई कर रहा हूँ। लहसुन का छिलका उतारने का आसान तरीका, छुरी रखें हाथ बचा के और हल्का सा प्रेस कर देंगे। अगेन प्रेस अ लिटिल बिट, दोबारा से एंड अगेन। गार्लिक जो है वो बहुत हेल्दी होता है वैसे भी। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं तो सुबह बगैर कुछ खाए पिए दो लहसुन। इट्स स्ट्रॉन्ग, थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा तेज़ होता है, मिर्चों की तरह लगता है, लेकिन इट्स वेरी वर्केबल। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है खानों में, और जब भी आप खाना बनाते हैं स्पेशली बीफ या जो वो इंग्रेडिएंट जिसकी हीट रहती है उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, ताकि हीट को दूर कर दे। इसको भी रफली चॉप कर लें, हमें कोई
स्पेशल को इसकी कटिंग नहीं चाहिए। अच्छा एक सवाल भी मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में इसका आप जवाब दे सकते हैं फेसबुक के पेज पे जाके या एसएमएस या कॉल करके कि टमाटर फ्रूट है या वेजिटेबल। ठीक है जी, ये सवाल है और मेरे पास आपके लिए आपको देने के लिए गिफ्ट भी हैं। हम आगे चल के दूसरी एपिसोड्स में ज़रूर जो है वो गिफ्ट वाउचर रखेंगे। पहला सवाल इस पहली एपिसोड का कि टमाटर जो है वो फ्रूट है या वेजिटेबल है, इसका आपने जवाब देना है। आप पेज पे जाके इनबॉक्स कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि टमाटर वेजिटेबल है या फ्रूट है। सो जस्ट रफली अब मैं जलाने लगा हूँ उस तवे को, मिल कर लेते हैं सही लाइटर। अच्छा तवा कीमा, क्योंकि इसका नाम ही तवा कीमा है इसलिए हम तवे को इसके अंदर यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम और चॉप कर लेंगे जब तक तवा गर्म हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप शौक़ रखते हैं खाना बनाने का और आपको पसंद है खाना बनाना तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम को देखें, अपना फीडबैक दें। हम ना सिर्फ इसके अंदर खाना बनाना बताएंगे, आपको सिखाएंगे भी, साथ साथ हम उनके मुफाद क्या चीज़ जो है वो आपके लिए सेहतमंद है, क्या चीज़ जो है वो आपको सूट करेगी। इसके अंदर मैंने तेल डाल रहा हूँ थोड़ा, तकरीबन 5 चम्मच मैंने इसमें टेबल स्पून तेल डाला, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, फिलहाल मैं स्पैचुला यूज़ कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग किचन के अंदर। अगर अब आप हैं और किचन के अंदर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो भाई इसको ले आएंगे, बहुत काम की चीज़ है, स्पेशली जब आप बेकिंग करते हैं तब ये बहुत ज़रूरी होता है। ऑयल हमने डाल दिया, अब हम इसके अंदर डालेंगे गार्लिक। गार्लिक जब सौते होगा तो हम कीमा इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तवा है, स्पैशर भी यूज कर सकते हैं, मेरे पास ये स्पून है, मैं इस स्पून के अंदर जो हूँ ये सब कर रहा हूँ। अच्छा हीट जो है आपने कंट्रोल रखनी है, बहुत ज़्यादा हीट ना हो, ऐसा ना हो कि आपका जो है वो गार्लिक जो है वो जल जाए। हमने ऑयल को फ्यूज करना है गार्लिक के साथ और फिर हम अपना कीमा डाल देंगे। एक स्टेज पे आके जब आपको उसकी महक आएगी, खुशबू आएगी तो आप कीमा ऐड कर सकते हैं। इसमें आप 2 स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। खाना बनाते हुए जितना आप कंफर्टेबल होंगे, जितना इजीली आप खाना बनाएंगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। आप इजीली मूव करें, आप इजीली जो है वो खाना बनाएं, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं, लेकिन खाने में टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और खाने का जो कॉन्टैक्ट है वो डायरेक्टली आपकी फीलिंग्स के साथ होता है, आपके मूड के साथ होता है कि आप किस मूड में खाना बना रहे हैं। ऐसा ना हो कि किसी दिन आपके घर पर कोई मेहमान आ जाए और आप कहें जी ये क्यों आ गए और फिर मैं अब खाना इनके लिए क्यों बनाऊँ, मैं ये वाला स्पून ले रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं कीमे का, क्योंकि अपना पानी है वो थोड़ा सा टाइम लेगा, फ्लेम को अब इस स्टेज पे आप हाई कर सकते हैं। प्याज हम इसके अंदर अभी थोड़ी देर में ऐड करेंगे, आप पहले भी कर सकते हैं। मैंने कीमा पहले इसलिए डाला क्योंकि कीमे का अपना पानी है और उसके साथ वो जो है थोड़ा सा गार्लिक के साथ फ्यूज हो जाए। इस स्टेज पे मैं प्याज डाल रहा हूँ और फिर अब मैं ऑयल ऐड करूंगा थोड़ी देर बाद ताकि प्याज भी इसके साथ भुन जाए। आप प्याज भूनने के बाद भी कीमा डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको जैसा आप कंफर्टेबल फील करें। अब डायरेक्टली मैं हीट पर हूँ और पसीना भी आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़, किचन ऐसे ही होता है।
तो अब ऐड करेंगे थोड़ा ऑयल, 5 चम्मच मैंने पहले ऐड किया था, और तकरीबन 4 चम्मच मैं और ऐड करने वाला हूँ। ये 4 चम्मच हो गए, फ्लेम थोड़ी सी हाई कर देंगे। अब हम इसको करेंगे मिक्स। स्पाइस डालने का भी वक्त नहीं है अभी, हम इसको डालेंगे, ठीक है। अच्छा, कीमे के अंदर और देगची के अंदर खाना बनाना बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो ये आपको एक अलग जो है वो फील देगा। अगर तो साथ साथ गंद हो रहा तो ये भी साफ करना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे ख्याल हम स्पाइसेस अपने उतार लेते हैं और इसको प्लेस करते हैं इधर, ताकि मुझे आसानी हो जब मुझे ये सारे स्पाइस चाहिए हों। फ्लेम कर दिया मैंने हाई, ताकि प्याज और जो पानी है कीमे का वो जो है वो मर्ज हो जाए। गार्लिक हमने इसमें ऐड कर दिया था, अब मैं करूँगा बस थोड़ी देर में इसके अंदर टमाटर ऐड। मसाले का स्टेज जो है वो बिल्कुल लास्ट में होगा, हम बिल्कुल लास्ट में मसाले को ऐड करेंगे। तो टमाटर का भी अपना पानी होता है, सारा डाल दें जूस, बहुत अच्छा रहेगा। हम तवे के ऊपर बहुत कुछ बनाएंगे, तवा चिकन, तवा कलेजी, तवा पुलाव, यस तवा पुलाव भी हम बनाएंगे। बट दिस इज द स्टार्ट। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे क्योंकि मिडिल में इसको हीट नहीं लग रही थी, अब लगेगी जब तक हम इस गार्लिक को कर लेते हैं थोड़ा सा स्लाइस, ये अनसाइज का, इसको पील कर लें। इसको आप पीलर से भी कर सकते हैं, स्पून से भी कर सकते हैं, मैं आपको टेक्निक्स भी साथ साथ बताऊंगा। और ज़रूर अपनी फरमाइश आप जो है वो हमें रिकॉर्ड करवा सकते हैं मैसेज के ज़रिए, फेसबुक पेज के ज़रिए जो हम इस शो का बना रहे हैं, इस शो के पेज पर भी आप जो है अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। पहले आपने इसको यूं जुलियन कर लेना, देन फिर आप आसानी से जो है वो काट लेंगे। कटिंग स्किल्स भी आपकी उस वक्त तेज होंगी जब आप काम करते रहेंगे किचन में। दिस इज हाउ इट इज, ये हमारा गार्लिक है जो कि हम बिल्कुल लास्ट में यूज करेंगे, बट हम यू आर डूइंग द प्रेप, तैयारी जिसे कहते हैं इंग्लिश में वर्ड है प्रेप, प्रेप करना किसी चीज की तैयारी करना, जो कि हम घर में भी करते हैं अक्सर उपेश कर। कुछ हरी मिर्चें ले लेंगे, हरी मिर्चों का कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का रहता है इसके अंदर, ये बहुत तीखी वाली है, तो डिपेंड्स कि आप कितना तीखा खाते हैं। हम बीच में से इसको स्लाइस करेंगे ऐसे, और देख सकते हैं कि पानी जो है वो टमाटर का भी है, कीमे का भी पानी था। अब हम इसको करते हैं मिक्स, थोड़ा देखते हैं कहां तक पहुंचा है। अब टमाटर के पानी में ये कीमा जो है गल रहा है, वैसे भी कीमा ज्यादा टाइम नहीं लेता, फ्लेम हमने हाई की हुई है इसकी। अभी जब पानी रिड्यूस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इसमें से, तो आप इसके अंदर देखेंगे कि ऑयल थोड़ा ऊपर आने शुरू होगा, और फिर उस स्टेज पे हम इसके अंदर मसाला डाल के इसको भुनेंगे तवे पे, ठीक है। अभी हमने इसका पानी रिड्यूस करना है, प्याज को हमने गलाना है, प्याज ऑलमोस्ट गल गए। अगर आप इसके ऊपर कुछ कवर देना चाहते हैं तो कवर भी कर सकते हैं इसको। प्लेट खाली कर दूँ ताकि आपके पास जगह हो काम करने।
किचन की लाइफ है। और खुदा का शुक्र है कि खुदा हमें हर चीज़ से नवाजता है। इस बात की भी शुक्रगुजारी करना मत भूलें, ये बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा खाएं, सेहतमंद खाएं और जिए खाने के लिए ना जिए बल्कि जीने के लिए खाएं, क्योंकि हम बहुत अनहेल्दी भी खाते हैं। हम इस शो के अंदर आपको हेल्दी खाना भी बताएंगे कि किस तरह से आपने हेल्दी खाना है और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। खाने की टाइमिंग बहुत मैटर करती है, ज़रूर खाने के जो है वो अपने टाइम को सरल करें। जब आप देख रहे हैं अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालने वाला हूँ मसाले, बहुत बेसिक मसाले हैं, हम किसी उस पर नहीं जाएंगे। और हम मज़ीद अपनी एपिसोड्स में जाके हम ऐसी जो है एपिसोड्स करेंगे जिसमें मैं आपको मसाला बनाना सिखाऊंगा, बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला, निहारी मसाला, हम ये सब मसाले आपके साथ शेयर करेंगे। अब इस स्टेज पे मैं डालने वाला हूँ इसके अंदर मसाला। थोड़ी सी आवाज़ भी उनसी ना, वो कटाकट आपने खाना था, लेकिन हम कटाकट नहीं बना रहे, लेकिन फिर भी ये आवाज़ करेगा। इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ हाफ टी स्पून, मेरे पास तो चम्मच है लेकिन मैं टी स्पून के हिसाब से डाल रहा हूँ। ऑब्वियसली जब आप खाना बनाते रहते हैं तो एक्सपीरियंस हो जाता है। करी पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, गरम मसाला। गरम मसाला हीट के लिए होता है, अगर आपको हीट पसंद है तो आप डाल सकते हैं ज़्यादा, इसको एक टेबल स्पून भी कर सकते हैं। आधा टेबल स्पून जीरा, एक चम्मच धनिया पाउडर, धनिया का थोड़ा फ्लेवर ज़्यादा रहेगा, और स्पाइस अगेन लाल चिली पाउडर एक चम्मच, अगर ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल सकते हैं लेकिन कम मिर्चें खाएं तो अच्छा है। नमक इसके अंदर अभी मैंने ऐड नहीं किया। सॉल्ट टू टेस्ट और सॉल्ट, सॉरी मुझे हाथ से डालना ही पसंद है। अगर थोड़ा बहुत गिर भी गया तो कोई बात नहीं, साफ कर लेंगे, बात नहीं, फिक्र नहीं करनी आपको। अब इस स्टेज पे आप फ्लेम कर देंगे थोड़ी सी मीडियम, क्योंकि साइडें जो हैं वो लग रही हैं, पानी इसका टोटली सूख गया है। वाह 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 वाह, यकीन माने मैं तो खाऊंगा इसके बाद। हमारे कैमरामैन भाई इंतज़ार में है कि रोटियां, अभी आवाज़ आई है मुझे कैमरे के पीछे से कि रोटियां ले आओ। रोटियां नहीं मिलेंगी भाई, मैं अकेला खाऊंगा। अब आप देख सकते हैं इसका रंग चेंज हो गया है, टेक्सचर बदल गया है, मज़े का लग रहा है। कीमा जो गिर गया है इसको भी मैं हाथ के हाथ साफ कर रहा हूँ, और ये एक हैबिट बना ले अपनी, जब भी किचन में काम करें साफ करते रहें साथ साथ। धनिया, वेरी इंपॉर्टेंट, कोरिएंडर इंग्लिश में कहते हैं, धनिया पाउडर भी डाला है लेकिन हम फ्रेश कोरिएंडर भी यूज़ करेंगे। रफली चॉप और अच्छी मकदार में, मैंने इसको तकरीबन आधी कट्ठी जिसे आधा बंच कहते हैं वो मैंने ले लिया। बड़ा मज़ा करेगा धनिया और हरी मिर्चें एक ही माने। चेक करना ज़रूरी इसलिए भी है ताकि आपको अंदाज़ा हो गया हम बना रहे हैं। बेहतरीन, अब आप बोल रहे होंगे कि आप खुद ही बना रहे हैं और खुद ही तारीफ कर रहे हैं, ये जो खाएंगे वो ही बोल देंगे।
एक और चीज़ बता देता हूँ, क्या याद करेंगे, घी कीमा बनाने के बाद उसको कोयले का दम दे दो, बेहतरीन काम हो जाएगा, जबरदस्त औसम काम। मैं डाल दे रहा हूँ अब इसके अंदर हरी मिर्ची और कोर्स लॉट ऑफ कोरिएंडर, धनिया बहुत सारा, गार्निश के लिए हमारे पास है, और फिर डोंट मिस दिस, और इसके साथ थोड़ा सा लेमन सर्व करते हैं। ब्यूटीफुल, वाह, जो उसकी महक आ रही है वो कमाल है। थोड़ा सा गार्लिक मैंने छोड़ दिया है गार्निश के लिए, धनिया मैं थोड़ा सा और लूँगा, इसको थोड़ा सा हम और पकाएंगे। अच्छा खूबसूरत साथ लेने इस पे धनिया, थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। लुक एट, लुक एट दिस, बिलीव मी, ऑसम ऑसम। जब हम खाएंगे तो आप सोचें कितना मजा आएगा। इसके साथ आप पतले पतले प्याज और हरी मिर्चें काट के लेमन के अंदर साथ सर्व करें, अमेजिंग काम हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कर लूँ, क्योंकि अभी ये खाने के लिए सब रेडी बैठे हैं। इसकी फ्लेम हम बिल्कुल कम कर देंगे। अच्छा, आप इसको अगर कवर करके बनाना चाहते हैं तो इसका कवर भी कर सकते हैं। वैसे तो मुझे याद नहीं रहा मैं एक छोटा तवा लेके आता और उसको सर्व करता। नेक्स्ट टाइम हम कुछ भी तवे पे बनाएंगे तो हम ऐसे ही करेंगे। प्याज पतले पतले हम काटेंगे, साथ ही मसाले भी बंद कर देते हैं। नाइफ आपकी बहुत तेज होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको खोल लें ताकि जब आप इसको गार्निश करें तो ये बेहतरीन किस्म का सलाद, प्याज का सलाद, या प्याज आपकी जो है वो रेडी है। कीमा हमारा रेडी है, बेहतरीन किस्म का तवा कीमा। मैंने आपको बताया है टेक्निक कि आप इसको दम लगा दें कोयले का। कोयले का दम कैसे लगाते हैं, इसको कवर करना पड़ेगा आपको, या किसी बॉल में रख के इसके ऊपर एक प्याज का छिलका या सिल्वर फॉइल रखें, उसके ऊपर कोयला, जलता हुआ कोयला चूल्हे पे आप पहले उसको गर्म कर लें, 3-4 ड्रॉप जो है ऑयल के या बटर डाल के ऊपर फौरी टाइट कवर कर दें, तो ये इसको कवे इसको दम लग जाएगा अपना। कोयले का इसको करते हैं, प्लेट में रखकर मैं सामने रख के इसको करूँगा ताकि कैमरा इसको कवर कर ले, साथ ही आप इसको कर लें क्लीन। लेट मी गेट द प्लेट, ये बेहतरीन रहेगी आई गेस। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं साफ, वैसे तो ये साफ है, इसको मैंने खुद अपने हाथों से धो के रखा था। गार्निश के लिए एक हरी मिर्च डाली इसमें, लेकिन सिर्फ हम गार्निश के लिए इसको निकाल रहे हैं। तवा कीमा हमारा तैयार है, अब हम इसको प्लेटिंग करेंगे, प्लेट में निकालेंगे और हल्की सी
खूबसूरत सी गार्निश करेंगे। अब हम करने लगे हैं इसको सब। चूल्हा मैंने कर दिया बंद, वन प्लेट की सर्विंग है, बाकी बच गया है। अभी इसको ऊपर ही रख देते हैं ताकि गर्म रहे। साइड पे आप इसको रख दें थोड़ा सा प्याज, एक साइड पे आप रख दें इसको धनिया के साथ, तवा कीमा, थोड़ी सी हरी मिर्चें, एंड ऑल डन। आई बिलीव दिखने में जितना आपको अच्छा लग रहा है उतना अच्छा ये खाने में भी होगा। सो ये था हमारा तवा कीमा, जितना दिखने में अच्छा लग रहा है आई बिलीव आप जब इसको बनाएंगे और खाएंगे आपको मज़ीद अच्छा लगेगा। खुदा की किसी भी नेमत को फरामोश मत करो और उसकी तमाम बख्शिशों को शुक्रगुजारी के साथ अपनी ज़िंदगी में कबूल करें। देखते रहें मेरे शो को, सीखते रहें और शुक्रगुजारी करते रहें उस नेमतों का जो वो हमें मुहैया करता है। अपना ख्याल रखिएगा दोबारा।